जय हिंद माँ भारती के वीर सपूतों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, साथ ही साथ बेटा अपनी आर्मी अग्निवीर की तैयारी को बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जिस प्रकार से प्यारे साथी आप सभी जानते हैं कि डेली शाम को 8:45 पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आर्मी अग्निवीर के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 वो क्वेश्चन जो आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले बेटा अंबाड़ा जो एआरओ का पेपर है उसको, जिसके अंदर आपके बेटा हर एक पोर्शन को उठाया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, जीके जीएस हो, साइंस और रीजनिंग हो, टोटल 50 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहने वाला है। और ये कौन से नंबर का टेस्ट रहेगा बेटा, आपका 6 नंबर का टेस्ट है। जिन बच्चों ने पहले के टेस्ट नहीं लगाए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसके अंदर सारे के सारे आपके टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लक्ष्य है क्या, 22 अप्रैल तक अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर लेना कि अब की बार हमें अपनी फौजी की वर्दी मिल ही जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स 9518151414 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन बच्चों ने अपना नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं कराया है, आप इसमें अपना नंबर ऐड करा लेंगे ताकि फ्रेंड्स वहां से आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाए। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, जिसको आपने बेटा डाउनलोड कर लेना है, और वहां पर फ्री पीडीएफ के कॉलम में भी आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो देरी ना करें, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं इस एग्जाम के अंदर बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 जीके के, 15 जीएस के, 15 आपके मैथ के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और भारत में लोह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 31 अक्टूबर, ध्यान से अगले क्वेश्चन को सुनिएगा, 31 अक्टूबर को एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। इसके साथ ही आपका बेटा शिमला एआरओ और इसके साथ ही बिलासपुर एआरओ में यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे हैं, तो गृह मंत्री आपके बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये शिमला एआरओ के पेपर में पूछा। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, ये आपका बेटा बिलासपुर एआरओ के अंदर पूछा गया, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही मोहनदास करमचंद गांधी को किसके नाम से जाना जाता है, तो ये आपके मुजफ्फरपुर एआरओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे क्या पूछा गया है, इंडियन सुपर लीग भारत में खालिस्तान खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो इंडियन सुपर लीग भारत में बेटा किसका होता है, फुटबॉल का होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। इंडियन सुपर लीग है जो किससे रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो सभी मेरे लाडले ध्यान रखेंगे, अरब सागर की रानी के नाम से किसको जानते हैं, कोचीन को जानते हैं पहली बात, बेंगलोर को किसके नाम से जानते हैं, सो साइंस सिटी ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि उपनाम से संबंधित हर पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके बेटा यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोगों को ऐसे नहीं है कि बिना दिशा के तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है वो क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एआरओ के अंदर पूछा गया, ठीक है ना। तो साइंस सिटी के नाम से किसको जानते हैं, बेंगलुरु को जानते हैं। अंतरिक्ष शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। बंबई को क्या कहा जाता है बेटा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब रखा गया, तो बंबई का नाम बदलकर मुंबई रखा गया 1995 में, इस बात को भी सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोचीन। चलिए प्यारे साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जल्लीकट्टू खेल किस खेल राज्य में खेला जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बेटा कोरोना काल तो आपको याद ही होगा कि कोरोना काल में तमिलनाडु के अंदर जो बेटा जल्लीकट्टू नामक एक त्योहार मनाया जाता है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बेटा कोरोना एक ऐसी बीमारी थी
कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिससे संक्रमित होता था आसपास में बीमारी दूसरों को भी फैलने लग रही थी और लोग इस बीमारी से पीड़ित ना हो, इसीलिए जल्लीकट्टू जो आपका त्यौहार है उस पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके साथ ही यहाँ से और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपका बेटा यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर एआरओ है उसके अंदर पूछा गया पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। इसके साथ ही यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो सभी बच्चे लिख लीजिएगा भरतनाट्यम, ठीक है ना। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, इस बात को भी सभी बच्चों ने लिख लेना है। अगला क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश से बनता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यदि आपसे पूछा जाए तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो लिख लीजिएगा कुचिपुड़ी बेटा, इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश का। इसके साथ ही जबलपुर एआरओ के अंदर आपसे पूछा गया था केरल का शास्त्रीय नृत्य, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, एक तो आपका बेटा मोहिनीअट्टम, ठीक है ना, कौन सा है मोहिनीअट्टम, और दूसरा कौन सा है कथकली है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हिसार एआरओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है या ओणम त्यौहार किस खेल से संबंधित, यहाँ पे राज्य से संबंधित है, तो केरल से। इसमें यहाँ पर लगभग बच्चे पजल होते हैं पोंगल और ओणम में, ओणम को तो बना देते हैं तमिलनाडु का और आपका पोंगल को बना देते हैं केरल का, इस बात को ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्य यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का, और 6 वर्ष किसका होता है बेटा, राज्यसभा का कार्यकाल होता है, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश मेरे शेरों, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, एक एक शेर शेरनी का इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और साथ में जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन 8:45 पर जो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण क्लास लेकर आती हूँ उसका पूरा पूरा फायदा आप उठा सके। और श्रीलंका की राजधानी क्या है बेटा, यहाँ पर कोलंबो है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता, इस बात को याद रखिए ना। इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछी जाए तो क्या है, जकार्ता। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, इस बात को सभी बच्चे याद रख लेंगे। ये सारी की सारी राजधानियां आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि बैंकॉक राजधानी है, तो बैंकॉक किसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी। इसके साथ ही थाईलैंड से रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मंगलोर एआरओ के अंदर और बेंगलोर एआरओ के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनेगा कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है आपका बेटा यहाँ पर थाईलैंड को, इस बात को याद रखेंगे। और लाओस को क्या कहते हैं, हजारों हाथियों की भूमि, ठीक है ना, हजारों हाथियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाओस को जाना जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेटा जब तक आप पेपर को पूरा नहीं लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का, जो ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल, इसको जब तक आप कंप्लीट नहीं लगाएंगे तब तक आप अपना टारगेट फिक्स कैसे करेंगे। मैंने आपको कह दिया कि आज कम से कम 50 में से आपके 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, वो 40 क्वेश्चन तो तभी ठीक होंगे ना जब आप 50 को पूरा लगाओगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोगों को सारे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन किया वो सही होगा, तो आप जब तक पेशेंस के साथ धैर्य के साथ पूरे पेपर को नहीं लगाएंगे तब तक आपका स्कोर आ नहीं सकता। और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी जो बेटा कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। यदि आपसे एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है बेटा ये अमेजन नदी, ठीक है ना। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। और लंबी नदी जब बात आती है तो लंबी कौन सी है, नील नदी। और नील नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही एक जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है, गहरी नदी है वो भी कहां पर स्थित है, अफ्रीका के अंदर। और जिस नदी का नाम क्या है, कांगो, ये भी कहां पर है, अफ्रीका के अंदर स्थित है, इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है कि कुल कितने महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। और जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया।
और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये हर बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साइंस के मॉक टेस्ट के अंदर भी बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आप जब साइंस के लगातार मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, मिनी मॉक टेस्ट, तो उसके अंदर भी देखेंगे कि आपका बेटा ये जो रेबीज रोग है, इस रेबीज रोग से हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन फंसने लग रहा है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग। इस रेबीज रोग को बेटा किस नाम से भी जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर एग्जामिनर ने एक तरह से पजल करने की कोशिश की है, तो इस क्वेश्चन पे आपने क्या लगाना क्या है? ऑब्जेक्शन, क्योंकि रेबीज रोग को ही हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्लेग बीमारी किसके कारण होती है? चूहे के कारण। कौन सी बीमारी होती है? प्लेग बीमारी होती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? भारत में पहली भूमिगत मेट्रो से रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बनाए, समय को जरूर नोट कर ले कि शाम को डेली 8:45 पर आपके बेटा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का यहाँ पे एनालिसिस होता है, उस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करवाया जाता है। और आपसे मैंने वादा किया है कि 22 अप्रैल तक टोटल आपके 50 पेपरों को यहाँ पे बेटा सॉल्व करवा दिया गया होगा। अब उन 50 पेपरों को आपने खुद से भी सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन बन रहे उनको कॉपी में भी राइट डाउन करना है, ताकि लास्ट समय पे आप फटाफट से उनका रिवीजन कर सके। और यहाँ पर भारत में पहली जो भूमिगत रेलवे यहाँ पे बेटा मेट्रो रेल चली थी, वो कहाँ पर चली थी? कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, खालिस्तान सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सनातन धर्म या हिंदू धर्म की कौन सी है? गीता और रामायण। और कुरान किसकी है? यहाँ पर मुस्लिम धर्म की। यहाँ पर बेटा क्या है? मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पंचमहल किस शहर में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल बेटा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। एक क्वेश्चन यहाँ पर हर बार एग्जाम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर तो आपको पक्का ही पक्का मिलना है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, भारत का पहला सैटेलाइट क्या है? तो भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट। इस बात को याद रखेगा। आर्यभट्ट को भारत के द्वारा कब छोड़ा गया था? अगला क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स यहां पर महत्वपूर्ण बनता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है ना, 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और किसके सहयोग से लॉन्च किया गया था? रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, स्पुतनिक वन किसका था? रूस का यहाँ पे बेटा पहला सैटेलाइट रहा है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो हीराकुंड बांध आपका बेटा महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रख लेंगे। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बहुत बार आपको समझा है, बंगाल का शोक है ना। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। कोशी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। और इसके साथ ही गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और यहाँ पर बेटा आपको हर एक वो क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके आर्मी अग्निवीर के किसी ना किसी एआरओ के पेपर में पूछा गया है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको मिलने लग रहा है। ठीक है, अंबाला एआरओ के अंदर तो जो क्वेश्चन आपको इस पैनल पे दिखाई दे रहे ये है, इसके अलावा जो मैं अदर क्वेश्चन बताने लग रही हूँ वो आपके अदर एआरओ के पेपर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। और इसके साथ ही चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा बेटा शुक्र। इस बात को याद रखिएगा।
द्रव्य की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा, यहाँ पर जो पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं मेन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना, ठोस, द्रव्य और आपका बेटा क्या हो गया, गैस। और चौथी जो अवस्था मानी जाती है वो फोर्थ स्टेट किसको मानते हैं, वो यहाँ पर बेटा प्लाज्मा को माना जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेंड्रॉइड से किसमें पाए जाते हैं, डेंड्रॉइड पाए जाते हैं न्यूरोन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो किसी सेल का सही ईएमएफ जो यहां पर है बेटा, उसको मापने के लिए पोटेशियोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आयोडीन की कमी के कारण होता है बेटा। आप लोगों के लिए जो स्पेशल यहाँ पर साइंस की मिनी मॉक टेस्ट की जो सीरीज स्टार्ट की गई है, उसके अंदर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे के सारे मिलने वाले हैं। उन मॉक टेस्ट को भी आपने ध्यान से लगाना है, ताकि आपके साइंस के 15 के 15 क्वेश्चंस का यहाँ पे 100% रिजल्ट हो सके। जीएस आप यहाँ पर बेटा पढ़ते हो ना, बड़े परेशान करते हो, ठीक है, जीके खुश होके पढ़ते हो, जीएस जैसे ही आती है माथों में आपके तोड़ी पढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बात गलत। जीएस को भी आपने उतना ही यहाँ पर प्रीफरेंस देनी है, क्योंकि जीके और जीएस दोनों की वैल्यू बराबर है, 15-15 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाने हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सी यहाँ पर बीमारी होती है, गलगंड यानी कि आपका बेटा गिट्रोइड घेंगा रोग उत्पन्न होता है, सभी बच्चे याद रखेगा। अनीमिया रोग किसकी वजह से होता है, तो अनीमिया रोग लोहे की कमी से क्या होता है, अनीमिया रोग। और यकृत जब हमारा बेटा प्रॉपर तरीके से क्या नहीं करता है, यहाँ पे वर्क नहीं करता, तो उससे क्या होता है, पीलिया रोग उत्पन्न होता है, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीवन जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की या जीव की संरचनात्मक यहाँ पे क्या, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको माना जाता है, कोशिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका की खोज किसने की, इसके बारे में आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग रासायनिक परिवर्तन के कारण लगती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है और प्लस यहाँ पर बेटा वाटर के साथ लोहा क्या करता है, रिएक्शन करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, Fe2O3XS2O बनता है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर प्राइमरी रंग टोटल कितने होते हैं, 3, और कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला, ठीक है ना, लाल, हरा और नीला है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके प्राथमिक रंग। अब आपसे क्या पूछा, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो भाई लाल भी हो गया, हरा भी हो गया, लेकिन कौन सा नहीं है, नीला नहीं है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, पीला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यदि पीला यहाँ पर नीला होता तो हो जाता, लेकिन पीला है तो वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नालायको यहाँ पर नाइट्रोजन पूछा है, ऑक्सीजन नहीं पूछा, गधेड़ो, बस ऑप्शन दिख गया, हाँ तेरे भाई को तो आता है, ऐसे निकाल दो। तो यहाँ पे कम से कम ये तो देख लो कि यहाँ पे पूछा क्या है। नाइट्रोजन आपका बेटा 78% और ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो रेप्टाइल जब टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर के अंदर जो सरीसृप है, जो किसका जन्म देती है, सिर्फ यहाँ पर मेल जो नर्म यहाँ पे बेटा जीव है उसको जन्म देती है, और वो कौन है, छिपकली, ठीक है ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उस टाइम पर जब छिपकली अंडा देगी, तो उस अंडे के अंदर से हमेशा कौन सी छिपकली निकलती है, नर छिपकली निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार दबाकर यहाँ पर लाइक काउंटर को लाइक कर देंगे। और डेली शाम को 8:45 पर बेटा
इस स्पेशल मॉक टेस्ट को लगाने के लिए सभी बच्चे टाइम पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपकी जीवन को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके अंदर वही सेम क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो अब तक इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। और डीएनए कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है? सिरा के अंदर बहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका हीरा है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है? आपका यहाँ है पर क्या है, हीरा कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा, यहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं बेटा, जो बिजली का करंट है, बिजली के करंट को दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया। एक कौन सा सर्किट होता है आपके बेटा, सीरीज, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, पैरेलल, ठीक है ना। हमारे घर में जो बिजली होती है वो किस में आती है, पैरेलल सीरीज के अंदर आती है। और जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 और प्लस में क्या होता है 1/R3। अब आप कहेंगे मैडम इसका यूज क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि तीन प्रतिरोध क्रम से 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम को समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो 1/R = कितना हो गया, 1/4 प्लस में 1/5 और प्लस में 1/ कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 20। जब 20 को 4 से भाग दिया तो 5 प्लस में आपका 4 और प्लस में कितना हो गया, 1। 5 और 4 9, 9 रे कितना हो गया, 10। आपका बेटा 1/R बराबर कितना आ गया, 10/ कितना आ जाएगा, 20। तो 10 × 1 = 10, 10 × 20, 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इनकी क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R = कितना हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे 2, यानी कि आपका प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है। आपने देखा है कि जब यहाँ पर बेटा क्या किया जाता है, पानी के ऊपर बर्फ को डाला जाता है, तो पानी पे बर्फ क्या करती है, फ्लोट करती है। और कोई भी चीज कब फ्लोट करती है, जब उसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, एक मीनार की छाया, अब ध्यान से मैथ के क्वेश्चनों को देखिएगा, मैथ के आपको पता है आर्मी अग्निवीर में मैथ भी उतनी वेटेज रखता है जितना आपका जीके और जीएस, ठीक है ना। आपने जीएस पढ़ ली, आपने जीके पढ़ ली, तो बेटा टोटल तो आपके 30 ही क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और यदि आप लोगों ने यहाँ पे बेटा रीजनिंग को सही कर दिया, मान लीजिए 5 में से 5 किया, तो भी 35 का आपने सिर्फ पासिंग मार्क लिया, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए। तो बेटा आप लोगों को मैथ को पढ़ना जरूरी है, मैथ पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, पेशेंस के साथ सीखने की कोशिश तो करो, आपको समझ में भी आएगा और आप रिजल्ट भी लेके आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। अब ये मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर मीनार की जो छाया पड़ेगी वो कुछ ऐसी पड़ेगी, और बटे में आपका बेटा ये नीचे वाला बेस हो गया, ठीक है। आपने इसको क्या मान लिया, ए, इसको मान लिया बी, और इसको मान लिया सी। जब हम यहाँ पे 10th क्लास में थे, हमारे 9th चैप्टर होता था, वो इसी पे रिलेट करता, ठीक है। तो आपका बेटा इसने क्या कह दिया कि मीनार की छाया और यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई वो दोनों बराबर है, मतलब कि आपका ये और ये आपका हाइपोटेन्यूज और साथ ही साथ आपका बेस, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि मीनार की छाया पड़ेगी वो इसी तरह से तो पड़ेगी। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर अपोन में बेस होता है, ठीक है ना। आपका लंब बटे में क्या होता है, आधार। अब आपका लंब कितना है, ए बी। टेंजेंट थीटा बराबर कितना हो गया, ए बी बटे में कितना हो गया, बी सी। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एच एच है, तो टेंजेंट थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एच बटे में एच। एच से एच कट गया तो कितना बच गया, एक। अब आप मुझे ये बताइए कि टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कितने डिग्री पर होता है, तो सभी बच्चे याद रखेगा 45 डिग्री पर टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ना 8th, यहाँ पे 10th क्लास के अंदर 8th चैप्टर में
आपकी पूरी की पूरी सारणी दी गई है, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की सारे सारे जो साइन आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू दी गई है। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है 140 का 30% बराबर है 840 का x प्रतिशत हो तो x का मान ज्ञात करें। 140 का 30% ध्यान से देखिएगा, 30 बटे में परसेंटेज हटाए तो बटे में कितना हो गया 100, बराबर है 840 का x बटे में कितना हो जाएगा बेटा 100 के बराबर। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर बेटा 14 गुणा में 3 बराबर है 84 गुणा में x और बटे में कितना हो गया 10। ये 10 इधर किस में है, भाग में, इक्वल के उधर जाएगा तो गुणा में। आपका बेटा 14 गुणा में 3 गुणा में 10 और बटे में कितना हो गया 84 और बराबर ये किसके आ गया x के, ठीक है। 14 एकम 14, 14 छिके 84, आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आपका 140 का 30% बराबर है 840 के 5% के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, बढ़ई रेशो में कुर्सी तो राजगीर रेशो में, तो बढ़ई जो यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पर किसका काम करता है, मकानों की जो यहाँ पे क्या होता है बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं बढ़ई। यहाँ पे बेटा राजगीर कहते हैं और राजगीर क्या बनाता है दीवार, ठीक है ना। बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर जो बनाने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं बढ़ई। बढ़ई क्या बनाएगा कुर्सी, तो आपका राजगीर जो यहाँ पे मिस्त्री होता है वो क्या बनाता है दीवार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा यदि एक्स 3x प्लस में 2y, ध्यान से देखिएगा 3x प्लस में 2y बराबर कितना दे रखा है आपको बेटा 11 और 2x प्लस में 3y बराबर कितना दे रखा है 4। आप लोगों ने बेटा यहाँ पर ऐसी सिंप्लीफिकेशन 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में, 10th में आप लोगों ने की है। इसके अंदर एक्स और वाई की जब वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक फंक्शन को इक्वल कर लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर 3 से गुणा करा दूं, इसको 2 से गुणा करा दूं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब बराबर किया तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन को सभी को हमने कितने से गुणा कराना है 2 से, और नीचे वाली को कितने से गुणा कराना है 3 से, ठीक है। तो 2 से जब 3 को गुणा कराया तो 6x प्लस में 2 दूनी 4y बराबर कितना आ गया 22 के। आपका 3 दूनी 6x प्लस में 3 तीय 9y और बराबर है 4 तीय कितना आ गया 12 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इनको काटने के लिए हम क्या करेंगे साइन चेंज, इसको काट दिया, आपका यहाँ पर 9 में से 4 गए तो 5y लेकिन किसके माइनस के, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 10। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बेटा 10 बटे में कितना लिखा माइनस 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब यहाँ पर पहले ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, यदि ऑप्शन से बात बन रही है तो आगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका बाकी वाई में किसी में माइनस 2 नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा लगभग हर क्लास के अंदर किए हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और यहाँ तक कि बेटा 3rd और 4th क्लास के अंदर भी बच्चों को ये क्वेश्चन सिखाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो आप लोग यदि धैर्य के साथ आर्मी अग्निवीर के पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा बिल्कुल आसान पेपर हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक समय अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब यहाँ पर सम अष्टभुज की बात आएगी तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है ध्यान से सुन लीजिएगा, एन ए माइनस में 2 इंटू में 180 बटे में क्या करना है आपने एन, ये हर फॉर्मूले के अंदर यूज होगा, चाहे आपसे पंचभुज पूछ ले, चाहे षटभुज पूछ ले, चाहे अष्टभुज पूछ ले, चाहे आपसे बेटा चतुर्भुज पूछ ले, आपसे जब भी यहाँ पर क्या कहा जाएगा एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है, एन की वैल्यू जितनी दे रखी उसको पुट करना है। अब क्या कह दिया सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब कि उसके अंदर कितनी भुजाएं हैं 8, 8 भुजाएं हैं तो एन की जगह पे क्या रखना है आपने 8 रखना है सिर्फ, ठीक है। तो आपका 8 माइनस में 2 गुणा में 180 और बटे में कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर बेटा काटा तो ये कितना आ गया 6 गुणा में 180 और बटे में कितना हो गया 8, ठीक है। आपका 2 तीय 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16 बच गए कितने 2 और 4 पंजे 20, 45 की 3 से गुणा कराई तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ यहाँ पर जरूरत है कि जो फॉर्मूले मैं आपको बताने लग रही हूँ उनको ध्यान से एक साइड में लिखे
ताकि जैसे क्वेश्चन आए तुम्हारे दिमाग में तुरंत रिकॉल हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैम ने कराया था और इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपसे क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए मिले हैं, उसका पूरा यहाँ पर क्या बताना है, उसका पूरा वेतन क्या है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन को निकालने का ना बिल्कुल सिंपल मेथड है, क्या करें सीधा क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल दो। कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि सीपी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं एसपी गुणा में 100 और बटे में क्या करते हैं 100 प्लस माइनस जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसको ले लेते हैं, है ना, यही करते हैं। तो अब आपको मान लीजिए 252 कब हुए हैं, 252 रुपए तब हुए हैं जब उसकी 5% बढ़ोतरी होगी। मतलब ये आपको क्या दे रखा है, एक तरह से यहाँ पर विक्रय मूल्य गुणा में आपका बेटा 100 बटे में बढ़ोतरी कितने की हुई 5 की, मतलब 100 का कितना बन गया 105, ठीक है। अब यहाँ पे काटो 20 × 100, 21 × 105, ठीक है, 21 × 21 बच गए कितने 4, 21 × 42, 12 को 2 से गुणा किया 12 × 24 और आपका 240 राइट आंसर हो जाएगा। यदि बेटा आप लोग पेशेंस के साथ समझे ना तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने फॉर्मूला एक याद किया, उसी फॉर्मूले से कनेक्ट करके हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो होगा कब, जब आप धैर्य के साथ क्वेश्चनों को समझने के लिए अपने अंदर लालसा को पैदा करेंगे। 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22 क्वेश्चन मार्क। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। 8:45 पर प्रतिदिन आपको आपका होता है यहाँ पर बेटा आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन, और सुबह 6:30 बजे होती है आपकी जीके जीएस की क्लास। 7 में 2 + 9 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 14 = 14, 3 + 17 = 17, 19 + 19 = 22, 22 + 22 = 24, एक बार कितना प्लस 2 + 3 = 2, 3 + 2 = 3, इसी तरह से आपका प्लस किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं, तो यहाँ पर 15 व्यक्ति उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, लगाओ एमडीएच का फॉर्मूला। 36 व्यक्ति हैं कितने घंटे में काम करते हैं 25 घंटे में, बराबर है 15 आदमी हैं कितने घंटे में काम करेंगे हमें नहीं पता तो हमने उसको कितना मान लिया एक्स, ये 15 इक्वल के उधर ले गए तो 36 गुणा में 25 यहाँ पर बेटा और बटे में कितना हो गया 15 बराबर किसके हो जाएगा एक्स के, ठीक है, आपका 5×5 = 25 और 5×5 = 15, 3×3 = 3 और आपका 12×3 = कितना हो जाएगा 36, 12 को 5 से गुणा किया 12×5 = 60, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 = 60 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 0.45 को भाग देना है 0.009 का, तो मान क्या होगा आपको ये बताना है, भाग देना है चलो भाई 0.45 और बटे में कितना है 0.0009। अब यहाँ पर बेटा इन पॉइंट्स को हटाएंगे तो इक्वल के इधर कितनी संख्या 4, तो इसको यहाँ पर 9 को नीचे रखा और भाग में इसके क्योंकि जब डेसिमल हटाते हैं वो नीचे आता है, तीसरी रकम पलट के ऊपर चली गई, आपकी कितनी जीरो होगी 4 0, ठीक है। अब 45 है, 45 की 2 0 नीचे आ गई तो आपका 1 और 2 0 7, ये डेसिमल हट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, आपका राइट आंसर कितना हो गया 500, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मूलधन रुपए 5000 हो तो 4 वर्षों में 4.5 वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपका बेटा यहाँ पे किसका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना दे दिया 5000 गुणा में दर कितनी है 4.5 और समय कितना है 4 साल और बटे में कितना हो गया 100, इस डेसिमल को हटाऊंगी तो 1 गुणा में आपने कितना कर दिया 10 और कर दिया, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, अब इनकी गुणा करा दो, 4×5 कितना हो गया 20 और आपको पता है 45×2 कितना हो गया 90 और आपका बेटा 1 लग गई 0, यानी ऑप्शन नंबर बी 900 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसी कक्षा में लड़के 45 हैं और लड़कियां 30 हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब बेटा यदि मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास के अंदर टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितने, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने, सबसे पहले क्योंकि हमें क्या पता करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है,
आपको ये नहीं पता करना कि लड़के और लड़कियां कितनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो यहां पर जब मैंने 45 को और 30 को प्लस किया तो टोटल कितने बन गए, 75। ठीक है, 75 बच्चों में से लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है, तो आपका 75 में से लड़कियां कितनी है, 30, एक में कितनी होंगी, बटे में 75, और प्रतिशत हमेशा निकाला किसके ऊपर जाता है, 100 पर, गुणा में कितना हो गया, 100। ठीक है, आपका बेटा 25 चौके 100, 25 ये 75, 3 एकम 3, 3 दाई 30, 10 चौके 40, तो यानी लड़कियों का परसेंटेज कितना है, 40% है। यदि यहां पर आपसे लड़कों का पूछ लिया जाता तो 75 में से लड़के कितने हैं, 45, एक में से कितने होंगे, 75, और गुणा में कितना कर देंगे, 100, ऐसे करके लड़के निकल जाएंगे। तो अब लड़कियां यदि 100 में से 40 है तो लड़के कितने बच गए, 60 बच गए, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6:3 प्रोपोर्शन में x:4 का मान क्या होगा, तो जब रेशियो में कोई चीज होती है मतलब कि वो बटे में है, सीधी सी बात है, प्रोपोर्शन में x बटे में कितना हो गया, 4, आप क्या करा दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 × 24 बराबर कितना हो गया, 3x। अब ये जो 3 है इक्वल के इधर ले जाओ, x बराबर है 24/3, आपका 3 × 3, 3 × 8 = 24, 8 है इसकी वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कि 15% कितना होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, तो 15% मतलब कि आपका बेटा 15 में से कितने, 15, एक में से कितना, बटे में 15, और प्रतिशत किस पे निकलता है, 100 पे, तो गुणा में कितना हो गया, 100, 15 से 15 कैंसिल, 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, एक आदमी की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो वर्तमान उम्र बताओ। आपको बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, और जो भी बच्चे आशीष में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास यहाँ पे टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखो बेटा, बेटे की आयु हमने कितनी मान ली कि भाई ये पुत्र है, और पुत्र की आयु हमने कितनी मान ली, एक्स, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, पिता की यहाँ पे आयु हो जाएगी 3x, क्यों, क्योंकि वो उसकी आयु से तिगुना। इसके बाद में 16 साल पहले कहा जाए, यदि पहले शब्द का यूज किया जाएगा तो वहां पे क्या करना है, माइनस, और बाद कहा जाए तो वहां पे क्या करना है, प्लस। तो 16 साल बाद मतलब कि x प्लस में 16, और 3x प्लस में कितना हो गया, 16। 16 साल बाद उसकी आयु, पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगुनी होगी। यदि बेटा की आयु को मैं 2 से गुणा करा दूं तो बाप और बेटे की आयु क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी गुणा अंदर कराओ, तो 2x प्लस में 16 दुनी 32, और बराबर है 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्स वालों को एक साइड, विदाउट एक्स को एक साइड, 2x इधर आएगा तो 2x में 3x में से 2x गया तो कितना बच गया, x, और 32 में से 16 गए तो कितने बच गए, 16। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर पिता की दुगनी होगी तो वर्तमान आयु बताइए। अब बेटे की 16 है तो मतलब ये ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। इसके बाद में बेटे की 16 है, पिता की क्या है, उसकी 3 गुणी, मतलब 3 को जब आपने 16 से गुणा कराया तो 16 थी कितना हो गया, 48। तो पिता की एज कितनी होगी, 48, और बेटे की एज कितनी होगी, 16। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, 81 × 81 प्लस में 68 × 68 माइनस में 2 × 81 और गुणा में कितना दे दिया, 68 बराबर क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। इसके अंदर सबसे पहले आपने एलजेब्रे के कौन से फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हो सकता है उसके बारे में सोचो। अब मैं इसको क्या मान लू, ए, और इस 68 को क्या मान लू, बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और माइनस में क्या हुआ, 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है, जब आप क्या करते हैं, ए में से बी को माइनस करते हैं और उसका होल स्केयर कराते हैं और उसको जब ओपन करते हैं तो यही फॉर्मूला आता है, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस में 2ab। अब क्या करना है, ए की जगह पर 81 और माइनस में बी की जगह पर 68 और उसका होल स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे ध्यान से, इसका क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 × में आपका b × में कितना करना है, h करना है, तो 1/2 गुणा में 16 गुणा में 18, आपका 2 × 2 2 × 18 16 निम में कितना हो गया, 144 वर्ग सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के वो क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स अंबाड़ा
एआरओ के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ ही यहां पर फ्रेंड्स 9518151414 इस पर आप सभी बच्चे अपना मैसेज लिख के भेज देंगे कि बेटा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको फ्रेंड्स ये जो आज मैंने मॉक टेस्ट यहाँ पे क्या करवाया आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम का रियल टेस्ट करवाया ये PDF आपको बेटा YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन की फ्री PDF के कॉलम में मिल जाएगी। वहां से आप क्या कर लेंगे इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा यहाँ पर GK GS की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा यहाँ पर GK GS की क्लास, और शाम को 8:45 पर हम कराएंगे आपके बिल्कुल रीजनल पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स मात्र 399 रुपए में आपको यहाँ पर स्पेशल जो आपका बेटा अग्निवीर का बैच है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो बच्चा इस बैच को लेना चाहता है फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं सुबह 6:30 बजे आपकी GK GS की क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।